नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपलएससी एजीटीए 2023 एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और इसके पहले एग्रीकल्चर की पहली क्लास हो चुकी है जिसके अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। एग्रीकल्चर की यह दूसरी क्लास है, इसके अंतर्गत हम लोग एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, गांठ गोभी का भुज मोटा भाग, यहाँ पे आपको फिल करना है, का बढ़ा हुआ रूप है। किसका बढ़ा हुआ रूप है? ऑप्शन ए दिया गया है रूट का, ऑप्शन बी है स्टेम का, ऑप्शन सी है लीफ का, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी स्टेम का, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। गांठ गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तना ही खाया जाता है दोस्तों। फूल गोभी का खाने योग्य भाग तना कर्ड, बंद गोभी का खाने योग्य भाग तना हेड इसका खाया जाता है, और आलू का खाने योग्य भाग तना है, और शकरकंद का खाया जाने वाला भाग जो है जड़ है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, ओगोल यहाँ पे आपको फिल करना है कि एक किस्म है, किसकी एक किस्म है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गाय की, ओगोल गाय की एक किस्म है, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, दुग्ध शर्करा है, इनमें से कौन सी है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, लैक्टोज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, ATMA योजना किसके द्वारा प्रायोजित की जा रही है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए किट और नेल्सन के द्वारा, ये प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वो क्या कहलाते हैं आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए निम्बो स्टेटस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, दूध का हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -0.55°C, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसिका जल, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहां से शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागौर, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी फसल साधारणतया हरित वाली रोग से कुप्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजरा, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की साफ असली खेती होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए आपको बताना है दोस्तों, मूंग के साथ, उर्द के साथ, मक्का के साथ, ज्वार के साथ? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वार के साथ, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है,
बार्टलेट्स एक प्रमुख प्रजाति है, किसकी है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बार्टलेट एक प्रजाति किसकी है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नाशपाती की है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी नमी को बाहर निकालना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 है, पौधों को भौम जल की आवश्यकता उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है, पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव तक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, यहाँ पर क्रेब चक्र द्वारा एक अणु पायरूबिक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी के बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्पाइन एक नस्ल है, किसकी है, बकरी की है, मुर्गी की है, भेड़ की है, ऊंट की है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अल्पाइन एक नस्ल बकरी की है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट स्ट्रेप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी यांत्रिक नियंत्रण मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 है, ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर बनेगा 1974, ऑप्शन बी राइट जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, ने सर्वोदय योजना शुरू की थी, किसने सर्वोदय योजना शुरू की थी, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में अपना भूदान भूमि उपहार कर इसकी शुरुआत किया था दोस्तों, इसके द्वारा बिहार में उन्होंने 100,000 एकड़ जमीन इकट्ठा कर भूमिहीनों में वितरित किया था, तो सर्वोदय योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पर समूह संचार की विधि है, इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाचार पत्र न्यूज़पेपर समूह संचार की विधि है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 है, मृदा कणों के विवरणी पिंडन के लिए आवश्यक तत्व है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से मार्मालेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्मालेड तैयार करने के लिए नींबू वर्गीय फलों जैसे संतरा है नींबू की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी संतरा राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी अमृत महल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, बीज प्लांट तकनीक को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया किसमें अपनाया गया है दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आलू में, बीज प्लांट तकनीकी को आलू में अपनाया गया है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। आलू का सत्य बीज ट्रू पोटैटो की खोज किसने की थी, एस रामानुजन ने किया था और सीड प्लांट तकनीकी को पुष्कर नाथ ने दिया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा पुष्कर नाथ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर NDRI इज लोकेटेड एट, NDRI स्थित है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करनाल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा डिब्बा बंद फल उत्पादों के विवरण के लिए उत्तरदायी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ऑप्शन डी राइट जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 है, पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूल गोभी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कॉटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोजियल कहलाते हैं, हाइपोजियल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 है, नहरों के आसपास वाली भूमियाँ निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं, ऑप्शन ए है क्षारी, ऑप्शन बी है अम्ली, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए
क्षारी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नहरों के आसपास वाली भूमियाँ क्षारी हो जाती हैं क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित होते रहते हैं जिससे वहाँ की भूमि क्षारी हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।